हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSCN बैंक्स में। और दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल जीके, जो अपनी इंडिया की जीके, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेशनल जीके है, हरियाणा जीके है, उसके हम बहुत सारे वीडियोज डालने वाले हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेशनल जीके पार्ट वन। और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और आपका आंसर रहेगा होमी जागीर जहांगीर भाभा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दो है, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है, और आपका आंसर रहेगा अलाई दरवाजा। उसके बाद विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, और आपका आंसर रहेगा तक्षशिला। चार है, कला की गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, और आपका आंसर रहेगा कनिष्क। पांच है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, और आपका आंसर रहेगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, और आंसर रहेगा जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद है छह, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, और आंसर रहेगा लुइस ब्रेल। क्वेश्चन नंबर सात है, रत्नावली की रचना किसने की थी, और आंसर रहेगा हर्षवर्धन। आठ है, पंचीर घाटी किस देश में स्थित है, और आपका आंसर रहेगा अफगानिस्तान। नौ है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, और आंसर रहेगा पल्लव शासकों ने। क्वेश्चन नंबर दस है, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, और आंसर रहेगा खान का। ग्यारह है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था, और आपका यह हुआ था 1930 में। बारह है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, और आंसर है सरोजनी नायडू। तेरह है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, और आंसर रहेगा वाराणसी। चौदह नंबर है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, और इसमें आपका आंसर रहेगा आनंदपुर साहिब। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था, और आंसर रहेगा राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर सोलह है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, और आंसर रहेगा टीम उनर्स ली ने। ठीक है, ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर सोलह है, सत्रह है, नींबू का डायबैक रोग का मुख्य कारण क्या है, आंसर रहेगा कॉपर की कमी। अठारह है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था, और आंसर रहेगा त्रिवेली। उन्नीस है, जिलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आंसर रहेगा लिमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, और आंसर रहेगा 1936। 21 है, आलू का शैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है, और आंसर रहेगा सुडोमोनास सोलेनेजियम। ठीक है, आलू का शैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है, आपका आंसर रहेगा सुडोमोनास सोलेनेसियम। और क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। 23 है, श्वेत फॉस्फोरस का कोषदेव किस में रखा जाता है, और आंसर रहेगा केरोसिन। 24 है, जनगणना किस सूची अंतर्गत आता है, और आंसर रहेगा संघ सूची। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, भारतीय संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार बीएन राव था। 26 है, मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है, और आंसर रहेगा गुर्दा। 27 है, आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है, आम का लिटिल लीफ रोग
किसकी कमी से होता है? और आपका आंसर रहेगा इसमें जस्ता। ठीक है, आंसर रहेगा जस्ता। 28 है देश की, इस नंबर 28 है देश की पूजा ही राम की पूजा है किनका कथन था? और आपका आंसर रहेगा मदनलाल ढींगरा। ठीक है, आंसर रहेगा मदनलाल ढींगरा। क्वेश्चन नंबर 29 है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? और आपका आंसर रहेगा रुद्रप्रयाग। 30 है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? और आपका आंसर रहेगा निकोलस और जीन लुमिए ने। 31 है धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? और आंसर रहेगा जस्ता, जिसे हम जिंक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 32 है केंद्रीय बहस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? और आंसर रहेगा हिसार हरियाणा। विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? और आपका आंसर रहेगा मोजेक। भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? और आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। 35 है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और आपका आंसर रहेगा बहादुर शाह सेकंड। 36 है राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और आंसर रहेगा हिसार। आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? और आंसर रहेगा बोरोन। 38 है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? और आंसर रहेगा पुणे। और क्वेश्चन नंबर 39 है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और आंसर रहेगा ब्राजील। और क्वेश्चन नंबर 40 है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और यह है आपका करनाल में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन जो हमारी नेशनल जीके रहेगी उसके जो सेट होंगे वो 40-40 क्वेश्चन के होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियोज आपको मिलती रहे जिसको आप बेनिफिट हो। और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों हमारे इसका जो वीडियोस हम डाल रहे हैं इसका मैं सबसे बड़ा बेनिफिट बता दूं आपको क्या रहेगा, इसमें आप कहीं भी अगर ट्रैवलिंग के दौरान भी हैं तो आप इसको ईयरफोन लगा के आराम से इस भी क्वेश्चन को सुन सकते हैं, जिससे आपको प्लस बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।